गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश। जुम्मेरात ठीक 10 बजे आपके साथ फिर से आ गया हूं इस अनोखे प्लेटफॉर्म पे एक बार आपके साथ, और बातें करेंगे आज फिर से दिलों को जोड़ने वाली, दिलों के साथ जो रिश्ता है हमारा पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा है और अब सीजन 6 में है, इसलिए ये जो बातें हैं दिल की रुक नहीं पाती। हमेशा थर्सडे को, जुमेरात को आपको 10 से 11 के बीच में ये शो मिलता है जिसमें हम अपनी और आपकी, हमारे दिलों की बहुत सारी बातें करते हैं। और आज भी एक
बातों का दौर शुरू होगा, बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी और आपको एक लेकर आएंगे, पूरा शो देंगे जिसमें आपको मिलने वाला है सब कुछ। सब कुछ में हमेशा की तरह हमारा पहला सेगमेंट यादों का सफरनामा, दूसरा सेगमेंट तेरी मेरी बात और हमारा फीचर मिस लवी की लव टिप ऑफ द वीक आपको मिलने वाली है। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए भी जरूरी है शो में आपका हमसे जुड़ना, क्योंकि आप जब तक अपने दिल की बात नहीं शेयर करेंगे तो शायद जो इस शो का और हमारे सेगमेंट का जिसमें तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है उसका मोटो सर्व नहीं होता, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती जब तक आप नहीं जुड़ते। हालांकि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अलग अलग टॉपिक, आज भी एक मौजू लेकर आए जिसपे हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे टॉपिक पे हमारे मौजू पे बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमेशा की तरह हमारे दो मीडियम्स अवेलेबल हैं। पहला हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAA, इस आईडी पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज, कॉल या वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर याद रखें, अगर अभी तक आपने इस आईडी को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो मुझे इमीडिएट एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें ताकि हम आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाएं और आपके साथ इसी शो में आज बातचीत भी कर पाए। इसके साथ साथ अगर आप स्काइप के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं या आप यूज़र नहीं हैं स्काइप के तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे फ़ोन लाइंस के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और चाहें तो व्हाट्सएप पे अगर इस नंबर को यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल वहाँ पे भी आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ और मीडियम्स हैं जिसमें हमारा फेसबुक पेज है दिल से दिल तक और फेसबुक ग्रुप है, दोनों को आप अपने हिसाब से लाइक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे और वहाँ से भी आप अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू रेडियो उड़ान को ज्वाइन करें, वेबसाइट www.radioudan.com, फीडबैक सेक्शन में जाएं और राय अपनी पोस्ट करें, अपनी बात वहां से पोस्ट करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर 11 बजे से पहले पोस्ट करेंगे तो शो में जरूर शामिल कर पाएंगे हम आपकी बातचीत को। आज का टॉपिक अगर बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो मौजू आज मैंने आपके लिए सोचा जिस पे मुझे लगा कि हम काफ़ी टाइम से अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं और शायद इस मुद्दे पर भी एक बातचीत होनी चाहिए। लव रिलेशन पे काफ़ी बात हो रही है, उसी का एक मौजू और ढूंढ के लाए हैं हम जिस पे आपके साथ आज हम बात करने वाले हैं। जहनी तौर पे आप तैयार हो जाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और जो मौजू हमने आज आपको सोचा है जिस पे आपके साथ बातचीत की जाए वो मैंने पहले भी कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा संजीदा ज़रूर है, क्योंकि जिन टॉपिक्स पे भी हम बात करते हैं वो लोग जो उनसे किसी तरीके से जुड़े होते हैं या उनमें इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों में तो वो उनके लिए संजीदा चीज़ें बन जाती हैं, बाकी जो दूसरे लोग होते हैं क्योंकि उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, यूँ कहीं इन्वॉल्व नहीं होते, उसका कोई उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, उनमें कोई बात नहीं होती उनके लिए क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, तो शायद वो टॉपिक उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जिस पे वो बातचीत हमारे साथ शो में आके कर सकते हैं, लेकिन संजीदा और गंभीर उनके लिए जो शायद उस दौर से उन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। आज भी हमने आपके लिए एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग संजीदा टॉपिक ढूंढा है, मौजू ढूंढा है जिसमें हम आपके साथ बात करना चाहते हैं और टॉपिक सिर्फ 4 शब्दों का लेकिन जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। उन लिसनर्स को जो हमारे प्रमोशनल मैसेज पढ़ते हैं शो से पहले उनको ज़रूर पता चल गया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ शो में ही हमारे टॉपिक को सुनते हैं, उसके बाद उनको इन्जॉय करते हैं, उस पर सोचते विचारते हैं, बातचीत करते हैं। रिलेशनशिप ट्रैप्स टू अवॉइड, रिलेशनशिप में किस तरह के ट्रैप हो सकते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो आज कुछ बातें करना चाहता हूं मैं आपके साथ, क्योंकि रिलेशनशिप आपकी लाइफ को हर तरह से इफेक्ट करते हैं। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप हर तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपके रिलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप रिलेशन में होने वाले ट्रैप्स को पहचान लें। कई बार अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आप जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर पाते, लेकिन ज़रूरी है बेहतर जीवन के लिए, बेहतर लाइफ के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, जो आपको वार्निंग्स मिलती हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनको
पहचानने की कोशिश करें और उनको रेक्टिफाई भी करें। तो रिलेशनशिप ट्रैप्स टू अवॉइड आज का हमारा टॉपिक, क्या सोचते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मीडियम्स हमने आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से मीडियम्स अवेलेबल हैं, स्काइप आईडी और साथ में हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए, सब दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन अभी बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की जिसका नाम है यादों का सफ़रनामा। कौन है आज के यादों के सफ़रनामा में हमारा साथी जो अपनी यादों के सफ़र पर हम सबको लेकर जाएगा और कुछ नया बताएगा। तो एक प्यारा सा गाना और उसके बाद हमारा पहला सेगमेंट। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6 और मैं हूँ आरजे नरेश और वापस आ गया हूँ इस प्यारे से गाने के बाद। और बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की, यादों का सफरनामा। एक हमारा ऐसा सेगमेंट जिसमें हम लोगों से उनके गुजरे हुए वक्त की बातें करते हैं और ऐसी बातें जिनमें उनकी कुछ यादें जुड़ी होती हैं, खट्टी मीठी हर तरह की यादें होती हैं, अच्छा बुरा वक्त हर तरह से उनको फेस करना पड़ता है और ये सारा वक्त उनके इतिहास का यानी कि उनकी यादों का एक हिस्सा बन जाता है क्योंकि वो वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम यादों का सफरनामा, हर वीक हमारे साथ एक नया पार्टिसिपेंट होता है और हमारे साथ हर बार एक नया साथी होता है इस सफर का। और आज हमारे साथ एक और हमारे इस सफर में एक साथी और हैं और हम उनसे भी आज बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और उनकी लाइफ में यादों का सफर कैसा रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ आज। और आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में और आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे सुनने वालों को सबसे पहले। माय नेम रूपम वर्मा फ्रॉम राजस्थान। आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग लाल बहादुर शास्त्री फ्रॉम जयपुर और मैंने ग्रेजुएशन भी अपना कम्प्लीट जयपुर से कम्प्लीट किया है।
और अभी इस टाइम मैं आईटी एडवांस कर रही हूँ दिल्ली से, एआईसीबी से। ओके, ये हैं रूपम वर्मा जो एआईसीबी दिल्ली में अपना एडवांस कोर्स कर रही हैं और आज हमारे साथ यादों के सफरनामा सेगमेंट में हमारे साथ हैं। रूपम, कौन सी यादें हैं या कौन सी ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के साथ, कि यादों के सफरनामा में क्या याद आता है? सबसे जो हमारा एक सवाल होता है सबसे पहला, कि कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको लगा कि लाइफ में शायद कुछ नहीं बचा, या फिर यूं कहें कि कब आपको ऐसा लगा कि यू फेल्ट ब्रोकन? मुझे लगा था जब मेरी कॉलेज में जब फाइनल बीकॉम फाइनल में थी, तो उस टाइम जब मेरी तबीयत एकदम अचानक बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी और मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मेरे हेडेक इतना तेज हो रहा था कि मुझे अपने एग्जाम भी शायद स्किप करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने एग्जाम तो बट दे लिए, बट उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। और कुछ ऐसी सिचुएशन है, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा विजन लॉस हो गया था। तो उस टाइम मुझे सब कुछ ब्रोकन लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर उसके बाद मेरे ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने दो तीन साल में घर पर ही रही थी। ये जो एक वक्त जब विजन गया और उसके बाद जब ये ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उस टाइम पे कैसा था? क्योंकि पिछले 15 सालों से अगर एजुकेशन की बात करें, उससे पहले की जो लाइफ थी उसमें सब कुछ ठीक था? उससे पहले मैं साइटेड थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ नहीं था। उससे पहले यही दिक्कत आई थी कि अब विजन लॉस हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती, लाइफ में कुछ नहीं है। ना एजुकेशन का पता था कि वीआई के लिए एजुकेशन भी होती है या कुछ और फैसिलिटी होती है, तो इसलिए सब कुछ खत्म लगा कि अब लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं है। बट जब मैंने 4 महीने की ट्रेनिंग नेव या दिल्ली से ही की थी, तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तब यहाँ आके मैं इंस्पायर हुई, फिर चला कि हाँ विजुअल इम्पेयर्ड कुछ कर सकते हैं। 3 साल का जो टाइम था वो मतलब उसमें कैसा रहा, मतलब किस तरह का घर वालों का सपोर्ट था, किस तरह से घर लोगों ने सपोर्ट किया? घर वालों का तो पूरा पूरा सपोर्ट था, और बस यही विश थी कि शायद विजन वापस आ जाए। ट्रीटमेंट चल रहा था उसके लिए? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा था, और जहाँ वो चेन्नई में सब मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ वहाँ चेकअप भी कराया, बट कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 महीने की ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद इस टाइम मैं एआईसीबी से आईटी कोर्स कर रही हूँ, और यहाँ आके काफी कुछ चेंजिंग भी आया उसमें। सुनने वालों को ये भी बताएं कि कैसे पता चला कि जो ब्लाइंड पीपल हैं या जो ब्लाइंड लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग होती थी, एक जानकारी कहाँ से मिली सबसे पहले? ये मैंने जब एक हॉस्पिटल स्टॉप चैरिटी यहाँ दिल्ली में है, वहाँ से मुझे पता चला था ये नेट के बारे में, कि वहाँ वीआई को एजुकेशन दी जाती है। फिर वहाँ से जब नेब में गए थे विजिट करने, बट फैमिली को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ वीआई गर्ल्स भी थी बॉयज भी थे, तो फैमिली को इसलिए ठीक नहीं लगा कि कैसे रहूंगी और कैसे छोड़े। बट जब मैंने जिद की, उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए परमिशन दी, तो मैं 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसके बाद एआईसीबी में ट्रेनिंग कर रही हूँ और मोबिलिटी भी सीख रही हूँ, और यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग भी सीखती हूँ, मोबिलिटी भी, और अब पहले से बेटर हो गई हूँ। पहले से बेहतर हो गई ऐसा कह रही है। तो रूपम, जो 3 साल के बाद घर से बाहर निकलना और अब किस तरह के चेंजेस हैं जो लाइफ में हैं, पहले नहीं थे शायद? पहले मैं डिप्रेशन में चली गई थी जब विजुअल इम्पेयर्ड मतलब विजन लॉस हुआ था, बट अभी काफी इम्प्रूव आया है कि अभी मैं मतलब सबसे बात भी करती। पहले मुझे बात करना पसंद नहीं था, चुप रहना पसंद था, ना ही किसी से बोलती थी। अभी लाइफ मुझे हैप्पी लगती है और मैं बहुत खुश रहती हूँ अभी। सबसे पहला तो मोबिलिटी का ही था कि मुझे कहीं जाने में बहुत डर लगता था कि मैं किसी से टकरा ना जाऊं या गिर ना जाऊं, बट अभी यहाँ के मैंने मोबिलिटी सीखी, स्टिक यूज करना सीखी, मुझे स्टिक यूज करना नहीं आती थी। इसके अलावा और कौन कौन से इम्प्रूवमेंट है जो अब यहाँ पे आके पता चल रहे हैं या हो रहे हैं? यहाँ के यही पता चला कि हम मोबाइल टॉपिक से मोबाइल को यूज कर सकते हैं, और सिस्टम को जॉस एनवीडीए सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के बारे में भी यहाँ के नॉलेज हुई कि सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड इजिली यूज कर सकते हैं और जो भी हमें काम है कर सकते हैं। कितना चेंज लगता है कि 2014 में और उसके बाद जो आप
इतना टाइम हो गया और आप यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है? पहले मैं बहुत डिपेंडेंट थी कि फैमिली पर, कभी किसी को मतलब मुझे सबसे बोलना होता था कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं डिपेंड रहती थी। अब मतलब डिपेंड हूँ बट इतना नहीं, और काफी कुछ इंडिपेंडेंटली भी कर लेती हूँ। किस किस तरह के काम है जो खुद कर पाती है अब? यहाँ हॉस्टल से मैं घर जाती हूँ तो अकेले चले जाते हैं यहाँ से, परचेजिंग करनी होती है चीजों को तो वो भी खुद कर लेती हूँ। घर वाले अब कैसा सपोर्ट कर रहे हैं? घर वाले अभी भी उसी तरह सपोर्ट करते हैं, और वो तो अभी भी कहते हैं अगर प्रॉब्लम है तो हमें बता सकती है। ओके, तो ये है रूपम वर्मा, राजस्थान से हैं, फिलहाल दिल्ली में अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर रही हैं, और लाइफ में जब विजन लॉस हुआ तो डिप्रेशन में चली गई, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, उसके बाद अब लाइफ इनको आसान लगने लगी है, इन्होंने अपने काम अपने आप करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत जरूरी कि जब आप अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दें, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं उसको हटा दें, आप इंडिपेंडेंट हो जाए, शायद उससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो रूपम, और चलते चलते कुछ सुनने वाले को कहना चाहती हैं? अगर कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, और देखना चाहिए कि हम उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और हम अपने उसे अपने लिए किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो ये है रूपम वर्मा जो साथ राजस्थान से थी, और कह रही हैं कि अपनी मुश्किलें अगर आती हैं तो उनका सामना करें, डर के ना भागें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए रूपम, और अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी, मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के जिंदगी कैसे बनती सुहानी, मुझे हर पल तेरे साथ रहना है। तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देगी हर गम को, तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे, मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े तो किसने रगड़ने में चलते हैं थोड़े, पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे। ये दिल जो ढला तेरी आदत में, शामिल किया है इबादत में, थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो। आपने अभी अभी सुना हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम था यादों का सफरनामा। रूपम वर्मा हमारे साथ जुड़ रही थी राजस्थान से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताने के लिए, जिससे लोग मोटिवेट हो पाएं, उनको भी हिम्मत मिले ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात हमारे दूसरे सेगमेंट की, यानी कि तेरी मेरी बात। बिल्कुल, इस सेगमेंट की बारी आ गई है, और इस सेगमेंट में हम आपके लिए अपना जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो आपको हमने शुरुआत में टॉपिक बताया था जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ, रिलेशनशिप ट्रैप्स टू अवॉइड। ये जो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम आपके साथ बात करेंगे, और इंटरेस्टिंगली ये काफी सीरियस भी है, क्योंकि इसके बारे में आप अगर कई बार पता कर पाते हैं तो बेहतर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या आप जैसा कि इसके नाम में ही ट्रैप है, तो जब आप इसके ट्रैप में फंस जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप खुद को इससे बचा पाए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में जब हम एक दूसरे को समझते हैं, इन चीज़ों को भी समझते हैं, इस ट्रैप को भी समझ पाते हैं,
लेकिन उस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है इस तरह के ट्रैप से निकलना और ये समझ पाना कि हम जिस रिलेशन में हैं क्या वो सच में एक ट्रैप है या एक ट्रू लव का रिलेशन है, ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। तो अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी समझ में आता है आपको इस टॉपिक पे, इस मौजू पे, रिलेशनशिप ट्रैप्स टू अवॉइड, ऐसे कौन से ट्रैप्स हो सकते हैं रिलेशनशिप में जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन से ऐसे रिलेशन हो सकते हैं इनफैक्ट अगर फ्रेंकली स्पीकिंग जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ये किस तरह की सिचुएशन के रिलेशन में आप हैं, कैसे सिग्नल्स आपको वो रिलेशन दे रहा है, किस तरह की वार्निंग्स वो रिलेशन आपको दे रहा है, अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएं तो कई बार लाइफ को बेहतर बनाने में आसानी हो जाती है। कई तरह के ट्रैप्स आपको मिल जाते हैं रिलेशंस के अंदर भी। अब ये वांटेड होते हैं या अनवांटेड होते हैं, इस पे मुद्दा जितना गंभीर हो, लेकिन ज़्यादा गंभीर ये है कि अगर ये ट्रैप हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि अगर आप उसके साथ रहते हैं तो अल्टीमेटली आपको अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। और जब आप रिलेशन में सफ़र करते हैं, जब आप अपने रिश्तों में दुखी होते हैं, तो आप अपनी दूसरी जो लाइफ की चीज़ें हैं उसमें ठीक से काम नहीं कर पाते, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, आपके ऑफिशियल यानी कि प्रोफेशनल लाइफ हो जिसमें आप बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि सिचुएशन ऐसा आपको अलाउ नहीं करती है। इसलिए कहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ आपकी दूसरी लाइफ पे बहुत असर डालती है, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर हो, और अगर उसमें कोई समस्या है तो उसको जल्दी से जल्दी आप सुलझा लें ताकि इस तरह की दिक्कतें आपको कहीं दूसरी जगह पर देखने को ना मिलें। अगर ट्रैप की बात करें, रिलेशनशिप ट्रैप्स की बात करें, तो उसमें कई तरह के ट्रैप्स आपको देखने को मिलते हैं और कई तरह के ट्रैप्स जिनमें आप फंसे होते हैं उनमें अपने आप को बचाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप कैसे बचाएं, कि अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब आप उनको पहचान पाएंगे। एक जो सबसे बड़ी बात जो किसी भी रिलेशन में है वो इम्पॉर्टेंट होती है ट्रस्ट को लेके। जब अब दो लोग एक ट्रस्ट रिलेशन में हैं, अगर उस ट्रस्ट में कहीं पे कमी आ रही है, अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप एक दूसरे की वजहों को नहीं समझ पा रहे क्यों आप एक दूसरे करते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन है वो ट्रस्ट के होने पर ही सक्सेसफुल माने जाते हैं। अगर आप दोनों में ट्रस्ट नहीं है, अगर आप किसी भी वजह से एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो लैकिंग ऑफ ट्रस्ट है, जहाँ पे भी ट्रस्ट लैक कर रिलेशंस में, अगर आप उसको बेहतर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फिर एक आपके लिए एक ट्रैप बन जाता है, रिलेशनशिप ट्रैप, जिसमें आप फंस जाते हैं, आप निकल नहीं पाते और आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हो जाती है मुश्किल। और जिस मुश्किल से जो दिक्कत होती है वो कि आप अनवांटेड इश्यूज़ में फंस जाते हैं, और ये एक के साथ नहीं होता, ये दोनों के लिए ही होता है, क्योंकि जब आपको जो ट्रस्ट ना होने की जो सिचुएशन है वो आपको फियर में डाल देती है, उससे आपके लिए मन में डर पैदा होता है, ये डर किसी भी तरह का हो सकता है, एक दूसरे के लिए जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी हो सकती हैं, जो डर होता है वो ये भी आप करवाता है कि आप अनसेफ हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर पे, और ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी हर तरह की लाइफ पे असर डालती है, आपके ऊपर इसका नेगेटिव असर बहुत ज़्यादा होता है, आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है आपकी। मैंने जैसा बताया कि ये सारी चीज़ें आपकी जो लाइफ की दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे जो पहलू हैं ज़िंदगी के, उन पे भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ऐसे और भी कई सारे ट्रैप्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे अभी, और कोशिश करें अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, और अगर अभी तक आपने इस आईडी को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो बिल्कुल मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें इमीडिएटली, हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप हमको हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173845
4646 पर भी कॉल कर सकते हैं। इस पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट मोबाइल मैसेज जो आप करते हैं नॉर्मली। इसके साथ साथ इसी नंबर को आप व्हाट्सएप पे भी यूज़ करें, वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बातें कही हैं उसने पल के झुका के, एक नजर उसने देखा हमको जो मुस्कुरा के, हम जहां थे वहीं पर खड़े रह गए, उनसे नैना लड़े के लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े भी शायद ना हो कोई हूर उस हंसी की तरह, देखा नहीं चेहरे पे हमने कहीं नूर उस हंसी की तरह, इश्क की वो इत्तेदा है हुस्न की वो इंतहा है, क्या हुआ है मुझे मुस्कुरा के जो उसने जब से देखा मुझे, तीर नजरों के दिल में गड़े रह गए, उनसे नैना लड़े के लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े सरकार हमारी तरफ, देखो इधर भी एक बार है यार हमारी तरफ, है सर ये एक नजर का रोग हमने उम्र भर का ले लिया ले लिया, दिल की बातें ये सब से जाकर कहे, हर घड़ी हर समय उसके संग हम रहे, ख्वाब आँखों में कितने जड़े रह गए, उनसे नैना लड़े के लड़े रह गए, 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 नैना लड़े के लड़े रह गए।
तेरी मेरी बात, और ये हमारा दूसरा सेगमेंट जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, रिलेशनशिप ट्रैप्स टू अवॉइड। ऐसे कौन से ट्रैप हैं रिलेशन के जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे आप दूर रह सकते हैं, अपने आप को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लगातार उनमें फंसे रहेंगे तो आप अपने आप को अक्सर मुश्किलों में पाएंगे। हमने जो ट्रैप की बात की, एक हो सकता है जो जिसमें आप ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे, या कोई बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा रिलेशन कोई भी जिसमें ट्रस्ट ना हो शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और उससे आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई सारे ट्रैप्स होते हैं रिलेशन में, जो अगर आपको काउंट करने पड़े तो शायद वो बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन शायद हम आज, मुझे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे। आप भी चाहें तो हमारे स्काइप आईडी और हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में भी ऐसा कोई ट्रैप समझ में आ रहा है, या जिससे आपने कभी अपने आप को गुजरता हुआ पाया हो, अपने आप को फंसा हुआ पाया और आपने बाद में उसको ठीक कर लिया हो, एक ट्रैप और भी होता है, इट्स जैसे कि इट्स ऑल अबाउट मी। अगर आप कुछ यूँ कहें कि एक ऐसा ट्रैप है जहाँ पे एक बंदा पूरी तरह से डोमिनेटिंग कंडीशन में आ जाता है, वो हर तरह से चाहता है कि सिर्फ उस पूरे रिलेशन में वही वो रहे, या यूँ कह लें कि उस रिलेशन में सब कुछ उसी के नाम का होता है, वो हर तरह से चाहता है कि सारी अटेंशन उसको मिलनी चाहिए, सब कुछ जो हो उसके हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ उसकी वजह से होना चाहिए, पसंद नापसंद से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरह के रिलेशन में ट्रैप हो, या जब इस तरह का रिलेशन आपके साथ हो, तो आपको समझना चाहिए ये रिलेशन ट्रू और द रिलेशन नहीं है, इनफैक्ट ये रिलेशन एक तरह का ट्रैप है जिसमें आप फंस रहे हैं, और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको शायद सुख ना मिले लेकिन दुख हमेशा मिलेगा। ऐसा हम सोच सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके हिसाब से नहीं, सामने वाले के हिसाब से सब कुछ होता है। इसके साथ साथ एक तरह का जो ट्रैप है, एक तरह का रिलेशन सिचुएशन जो है, वो ये भी होता है कि एक दूसरे के प्रति आपके मन में या दिल में सम्मान नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता, आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, और जहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका पार्टनर आपको कहीं पर भी, अकेले में भी, बाहर या सोशल पब्लिक प्लेसेस पे कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है, आपकी फैमिली के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने, और आप कहीं पर भी हो, यानी कि अगर आप ऑफिस में हैं या किसी इंपॉर्टेंट जगह पर भी हैं, तो भी आपका पार्टनर आपको कुछ बोल सकता है, रिस्पेक्ट नहीं होता। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो भी ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इस दोनों तरह की जो सिचुएशन है, जहाँ पे एक तरफ कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है, शायद आपके बारे में सोचता ही नहीं है, और वो सब कुछ ये चाहता है कि जो भी हो रहा है वो उसके हिसाब से होना चाहिए, तो ये भी एक ऐसा रिलेशन है जो मेरे ख्याल से एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो, आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी बातचीत में कुछ फ़र्क हो सकता है, आपके लहजों में फ़र्क हो सकता है, आपका जो तरीका है, स्टाइल है, वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना करें, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप रिश्तों में रह के एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, या आप में से कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं करता, तो वो रिश्ता एक तरह का जाल बन जाता है। अगर आप उसमें फंस जाएंगे तो खुद को बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों में पाएंगे, और ऐसी मुश्किलें होंगी जिनको शायद आप चाहें तो ठीक ना कर पाएं, और जब उनको आप ठीक नहीं कर पाएंगे तो अक्सर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें एक तरह का जो ट्रैप और भी आपने कई बार देखा होगा, बड़ा कॉमन होता है, लेकिन इसको लोग कई बार समझ पाते हैं और कई बार नहीं, कि जिसमें जो रिलेशन में कभी कभी आपने देखा होगा कि दो लोग, उनमें से कोई एक व्यक्ति शायद एक दूसरे के लिए अब्यूजिव हो जाता है, जहाँ पे भद्दी भाषा का या शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कई बार ये पब्लिक प्लेसेस पे, नॉर्मल कंडीशन में, और पब्लिक प्लेसेस पे क्यों, अगर कोई आपके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी जब आप अकेले भी हों, आप दोनों एक साथ हों, उसके बावजूद अगर वो आपके लिए कुछ गलत शब्दों का या अब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसका ये इस्तेमाल करता है, तो वो भी ट्रैप है, क्योंकि ये किसी भी तरह के रिलेशन में शायद एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस में नहीं आता कि आप अपने पार्टनर को किसी भी तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें या उसको गलत तरीके से बोलें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक व्यक्ति जो शायद इसका शिकार होता है, विक्टिम होता है, वो इसमें हमेशा सफ़र करता है, क्योंकि दूसरा तो शायद अपनी मर्जी से कर रहा होता है जो उसे करना होता है। अगर किसी को अच्छा लगता है, कई बार लोग कहते हैं कि मैं इस तरह की लैंग्वेज बोलता हूँ या कुछ होता हूँ, तो कभी वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे साथ गुस्से में ऐसा हो जाता है, कभी कहते हैं कि शायद उनको कुछ थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि इस तरह से जब स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कुछ बोलते हैं। कई बातें लोग जस्टिफिकेशन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। आप बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। इसका मतलब आप एक तरह के ट्रैप में हैं, और ट्रैप हमेशा नुकसानदेह होते हैं। उनसे आपको बाहर निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के किसी भी ट्रैप में अगर आप फंसे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को बाहर निकालें। कई बार ये जो ट्रैप मैन होते हैं, वुमेन होंगे, जो भी होंगे, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके लिए, काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं, कई बार वो आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड डेट या डेट्स पे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं धीरे धीरे आपको पता चलती हैं, तो इसका आपका मतलब पता चलना चाहिए कि जो आपको अच्छा दिख रहा था वो शायद एकदम रियल नहीं था या एग्जैक्टली ट्रू नहीं था, तो इसका ध्यान रखें। अब बारी आ गई एक और प्यारे से गाने की, और गाने को सुने, एंजॉय करें। Chill, I should drop it low, man. देखा जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये बोले, नखरा लगे है टोटल वखरा तो दिल ये बोले, मुझको लुभाती है जबान दूसरा सेगमेंट चल रहा है शो का, जिसका नाम है तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज जो डिस्कस हम कर रहे हैं आपके साथ, वो इश्यू है, वो मौजू है, रिलेशनशिप ट्रैप्स टू अवॉइड। कौन कौन से ऐसे रिलेशन में ट्रैप्स हो सकते हैं या ट्रैप वाले रिलेशन हो सकते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से उनमें फंस गए हैं, उलझ गए हैं, तो बिल्कुल आपको वहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एंड ऑफ द डे नुकसान वाले या यूं कहें कि दुख देने वाले रिलेशन बन जाते हैं। तो कोशिश करें आप उनसे बाहर निकलें। और किस कुछ जो हमने आपके साथ शेयर किया उनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ देर में यानी कि आपको मिलने वाले लव टिप ऑफ द वीक बाय मिस लवी, उनकी ट्रिप रेडी है बिल्कुल,
तो वो टिप आपको जरूर सुनने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर आपको मुझे और सुनना है क्योंकि मेरे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप्स हैं अभी भी रिलेशन को लेके। पहला रिलेशन ट्रैप एक और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसमें वो ट्रैप है जहाँ पे एक तरह की एक सिचुएशन आ जाती है बहुत डिफरेंट सी, जहाँ पे एक बहुत हेल्दी रिलेशन है, बहुत हैप्पी रिलेशन है, आपको अक्सर ऐसा लगता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उनका हैप्पी रिलेशन और उनका हेल्दी रिलेशन जो है वो अक्सर लड़ाई झगड़ों में गुजरता है। हर दिन, हर डेली या हर दो दिन के बाद उनके पास इश्यूज होते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा असर डालते हैं हमारी हर तरह की लाइफ पे। अब वजह ये होती है कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम एक रिलेशन में, एक हेल्दी रिलेशन में हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, तो हमारी सोच भी एक जैसी ही होनी चाहिए। अब समस्या या मसला यूँ कह लें कि जब कभी भी किसी तरह के दो लोग एक साथ जुड़ते हैं तो उनमें ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, उनके जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनके आइडियाज़ डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक रिलेशन में हैं, एक साथ अगर आप रहना चाहते हैं या रह रहे हैं, तो आपका सब कुछ मैच करता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि रिलेशन के लिए आइडियाज़, आइडियोलॉजी या यूँ कहें कि जो थॉट्स हैं उनका मैच करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन में बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपने पार्टनर्स के जो आइडियाज़ हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनका रिस्पेक्ट करें। साथ में अगर आपके बीच में कोई इश्यू है, कोई मुद्दा है जिसकी वजह से कुछ समस्या हो रही है, तो आप उसको बैठ के बातचीत करके सुलझा सकते हैं। वजह इसके कि आप उन इश्यूज़ को लेके बार बार डेली दूसरे दिन चौथे दिन लड़ाई झगड़ा करें, खुद भी परेशान हो, और कई बार आप इस तरह के जो रिलेशन होते हैं उनमें अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप इस तरह के रिलेशन में हैं, अगर ये चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं जल्दी से तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाला और कोई बंदा बाय नेचर ऐसा है जो इश्यूज़ को लेके अक्सर लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपको वो समझना चाहिए कि ये एक तरह का रिलेशन नहीं है, आपके लिए ट्रैप बन चुका है जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, कहते हैं ना नर्क जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको उसको ठीक करना होगा या वहाँ से बाहर आना होगा, क्योंकि ये बात हकीकत है कि आप रिलेशन में कितने भी अच्छे हों, आपका हेल्दी रिलेशन हो, लेकिन ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, साथ में आप उन पे बातचीत कर सकते हैं, ना कि उनको लेके लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा और बहुत ही कॉमन ट्रैप आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे एक व्यक्ति कोई भी पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और ये कंट्रोल जो होता है वो इस तरह से होता है जिसमें जो पार्टनर है आपका वो आपको हर तरह से कंट्रोल करना चाहता है। पहली बात, वो सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करता है कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से होनी चाहिए, जैसा वो चाहता है वैसा का होना चाहिए, आप उसकी पसंद से सारे काम करें, आप उसके हिसाब से अपनी ड्रेसअप करें, और जो भी लाइफ स्टाइल है आपका वो उनके हिसाब से होना चाहिए, आपको कैसा बोलना है, आपको किस तरीके से बिहेव करना है वो भी उनके स्टाइल से, यहाँ तक कि वो कि हर दूसरी चीज पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है व्यक्ति, जहाँ पे आप हैं, आपको किससे बात नहीं करनी चाहिए, आपको किससे मिलना चाहिए किससे नहीं मिलना चाहिए। जब इस तरह का अनलिमिटेड कंट्रोल आप अपने रिलेशन में पाते हैं तो आपको समझना चाहिए ये रिलेशन आपके लिए एक ट्रैप है जिससे ज़रूरी आपको बाहर निकलना है। अगर आप बाहर ही निकलते तो आप हमेशा के लिए मुश्किलों में रहेंगे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से ट्रैप थे रिलेशन में जो मुझे लगे आपके साथ शेयर करने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे ट्रैप्स हैं, टाइम इस बात की परमिशन नहीं दे रहा कि आपसे और भी कुछ ट्रैप्स पे बात की जाए। तो ये ध्यान रखें कि जो चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, जो आपको दिखाई जाती हैं, क्या वो वक्त के साथ कम होती जा रही हैं, उनमें असर अलग अलग कुछ असर पड़ रहा है या उनमें कुछ कमी आ रही है, या आपका जो पार्टनर था जैसा उसने आपको बताया समझाया वैसा वो कुछ नहीं कर पा रहा है, या वो अलग ही रंग में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप ट्रैप से बाहर निकलें और अपने आप को हल्का करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ट्रैप की जो तारें हैं उसको काट दें, क्योंकि अब वक्त हो गया शो का ख़त्म। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आज के जो ट्रैप्स थे हमारे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। डिस्कशन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल रहा आपके लिए तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शोज़ के सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाएं और दिल से दिल तक का यूट्यूब चैनल सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे शोज़
जब भी अपलोड हों, जैसे ही अपलोड हों वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने वक्त के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से हमारे शोज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। अब लवी आपको लव टिप देंगी, हर वीक शो के आखिरी में वो आपको टिप देती हैं, आज भी देने वाली हैं। बहरहाल मैं तो इस प्रॉमिस के साथ आपसे अलविदा कहूँगा अगले वीक तक के लिए, अगले जुमेरात तक के लिए, कि जब नेक्स्ट वीक यानी कि जुमेरात को मैं आपके साथ मिलूँगा तो एक बहुत ही स्पेशल शो के साथ आने वाला हूँ मैं। उस शो का आप इंतज़ार करें और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेशनल शो होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं क्योंकि उस शो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यूँ समझें कि ये जो शो होगा बहुत ही स्पेशल है, वेरी वेरी स्पेशल शो आपको मिलने वाला है, उसके लिए तैयार रहें। और अब वेरी लव टिप ऑफ द वीक के लिए तो बिल्कुल मुझे दें इजाज़त और नेक्स्ट वीक जब मैं आपसे मिलूँ एक स्पेशल शो में, टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए लव टिप ऑफ द वीक लेकर। जब बड़ी शिद्दत से दिल किसी को याद करता है, जब बड़ी शिद्दत से दिल किसी को याद करता है तो उस तक पहुँचने का कोई ना कोई जरिया निकल ही आता है। जी हाँ दोस्तों, आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, जब आप उसे बहुत याद करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको याद करता है। साथ ही उससे बात करने का या मिलने का कोई ना कोई जरिया निकल ही आता है। इसे कहते हैं दिल को दिल से रहा होना। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपने से प्यार करने वालों का हमेशा ध्यान रखिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, गुड नाइट। कीप लिस्निंग रेडियो उड़ान, दिल से दिल तक। खाली खाली दिल गूंजे तेरे नाम से, लगे सारे पल नाकाम से, तेरे बिन हूँ तन्हा तन्हा, तुझसे कहूँ कैसे। वो ही है रस्ते, वो ही है घर, वो ही जीने के समान। तुम थे तो जैसे जिंदा थे सारे, तुम बिन लगे बेजान। हर चीज मुझसे पूछे तुम हो कहाँ, फासले क्यों बढ़े जब नहीं है यकीन, आज भी पर सुकून नहीं। फासले क्यों बढ़े दूरियां, जब नहीं है यकीन, आज भी पर सुकून। वही है घर, वही जीने के समान। ओ,
पर भारी कदमों से चलते तन्हाइयों के हैं लम्हे, फीके दिन और सूनी रातें, सोचे तुम्हारी ही बातें। सुबह को लाना शाम तक लगता नहीं आसान, खोने लगी है अब ये जिंदगी खुशियों की हर पहचान। फासले क्यों बढ़े दूरियां जब नहीं है यकीन जिंदगी पर फासले क्यों बढ़े दूरियां जब नहीं है यकीन आज भी पर सुकून अब नहीं।